फ्रेंड एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल मास्टर केमिस्ट्री। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बताऊंगा वो है पैनल टेस्टिंग का अनब्लॉक कैसे करें। तो पैनल टेस्टिंग का ब्लॉक होने का कारण है, आपने जब पैनल टेस्टिंग का आईडी क्रिएट करते हो तब क्या करते हो, पहले वाला जो 3000 पॉइंट आपको दे देता है, उसके बाद आपको मेल में 200 से लेके ज्यादा तक आपको सर्वे देता है और उसको आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो जो सारे बिगिनर है जो नहीं जानते, एक डिवाइस के अंदर एक आईपी एड्रेस होता है जहां पे अंदर एक आईपी एड्रेस के लेके रिलेटेड पेनेट्रेशन में कहा गया था, क्योंकि पेनेट्रेशन का आईडी आप क्रिएट कर पाओगे और आपको एक ही आईपी एड्रेस के अंदर आपको एक ही पेनेट्रेशन अकाउंट बनाना होगा। तो आप मल्टीपल अकाउंट बनाते हो इसलिए आपका सर्वे ब्लॉक कर देता है, सर्वे नहीं आता। ये नहीं आपका सर्वे का अकाउंट ब्लॉक हो गया तो आप जब ईमेल आईडी और आपको पासवर्ड देकर जब लॉगिन हो जाते हो पेनेट्रेशन में तब आपको बोलते हैं यू हैव बीन ब्लॉक। सो ये नहीं बोलते, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा फिर भी आपको सर्वे नहीं मिलेगा। तो इसी के कारण मैं आपको बताऊंगा ये वाला प्रॉब्लम कैसे फिक्स करते हैं। पहला वाला आपको ऑप्शन है, आपको जो करना होगा आपका जो सारे प्रायोरिटी थर्ड पार्टी जो आपने क्रिएट किया है पेनेट्रेशन के अंदर सर्वे पाने के लिए, वो सारे जो आईडी है सबको ब्लॉक कर दो और एक आईडी रख दो पेनेट्रेशन के अंदर जिस पर आप काम करना चाहते हो, और जो आपका प्रोफाइल रिलेटेड आपको जो सारे सर्वे हैं वो कंप्लीट करके जाओ। अगर आपको दिक्कत आए तो आपको जो जिस वाले सर्वे में आपको सर्वे देता है एक आईडी होता है मेल के अंदर देख पाओगे, तो उस सर्वे आईडी पे आपको मेल करना होगा एरर प्रॉब्लम और वहाँ पे लिखना पड़ेगा जिस प्रॉब्लम के जरिए आप फेस कर रहे हो उस प्रॉब्लम को आपको शेयर करना। तो ऐसा ही प्रॉब्लम तो आ रहे काम आपको दिखाता हूँ। एक आईपी एड्रेस आपका डिवाइस के अंदर एक ही आईपी एड्रेस है वो कहाँ से आप लॉगिन करेंगे, तो ठीक है मैं मोबाइल पर दिखा दूंगा कोई बात नहीं। और जो काम है जो सारे थर्ड पार्टी ऐप है उसको निकाल दो वहां से जो पेनेट्रेशन के अंदर निकाल दो, एक सर्वे को रख दो जिस सर्वे जिस अकाउंट पे आप काम करते रहोगे। तो मैं भी एक सर्वे के अंदर काम कर रहा हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास अनलिमिटेड ट्रैकिंग है, अनलिमिटेड मुझे सर्वे दे रहा है, मैं काम कर रहा हूँ और ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ऐप है। तो यहाँ पे काम करो कोई बात नहीं, एक इंडिया का एक सर्वे ऐप है और सर्वे ब्राउजर बोल सकते हो, तो काम करो कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरे चैनल में जब नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो। तो चलो मैं पूरा वीडियो आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे ले जाकर। सो पहला वाला गलती आपका दिखाता हूँ, आपका पहला वाला गलती क्या है तो सेटिंग में जाके देखो, अबाउट सेटिंग में जाके जो स्टेटस वाले ऑप्शन है वहाँ पे देखो आईपी एड्रेस अन अवेलेबल दिखा रहा है। जब मैं इसको नेट ऑन करता हूँ तो देखो आईपी एड्रेस ऑलरेडी शो हो जाएगा। देखो तो एक आईपी एड्रेस के अंदर बहुत सारे तो अकाउंट बनाओगे तो आपका अकाउंट तो ब्लॉक होगा ही ना। तो इस बार देखो मैं कैसे फिक्स करना है ये बताता हूँ, ठीक है चलो दिखाता हूँ। चलो देखो मैं मेरे आईडी पे आ गया मेरे पेनेट्रेशन अकाउंट पर। तो देखो मैं मुझे कितना सर्वे दिया है, अवेलेबल सर्वे दिखा रहा है, एक नंबर पे 3 है, 2 नंबर पे और 3 है, 3 नंबर पे देखो और एक 3, नेक्स्ट करके मैं 5, 6, 7 मुझे बहुत सर्वे देता है क्योंकि मेरा अकाउंट जेन्युइन है, ठीक है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले आपका जो फेक आईडी बना चुके हो सो सबको एक एक करके डीएक्टिवेट कर दो, और जो जिस अकाउंट पे आप पहला वाला जो अकाउंट थे आपका पेनेट्रेशन में उस अकाउंट पे लॉगिन हो जाओ, ठीक है। तो लॉगिन होने के बाद आपका सर्वे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम होगा तो आपको क्या करना होगा, तो देखो मैं ऑफ कर देता हूँ और मेल में जाके जो यहाँ पे हम लोगों को सर्वे देता है, मेल में जो सर्वे हम लोग चेक करते हैं ना, एक ही सर्वे वेबसाइट में जाके भी काम कर सकते हैं और मेल में जाके, तो मेल में जाके ये जो व्यू वाला ऑप्शन थे वहाँ पे देखो india@thepeneltestingsurvey3.com। तो यहाँ से हम इस सर्वे मतलब इस डोमेन से अंदर हम लोगों को सर्वे देता है। तो एक काम करो इसमें क्लिक करो,
तो यहाँ पे क्लिक कर दो पेनेट्रेशन के अंदर, दिखाता हूँ आपको। हो गया तो पेनेट्रेशन में ओपन हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पर लिख दो माय सर्वे ड्रॉपलेट। तो कंपोज मेल पर आपको क्या लिखना पड़ेगा बताता हूँ। आई हैव माय पेनेट्रेशन अकाउंट आफ्टर फ्यू डेज After few days, I am not getting survey. Okay, ये वाला लिख देगा। उसके बाद आपको लिखना होगा Please fix the problem. I want to work on it. So ये लिख के आपको सेंड कर देना होगा। ओके तो उसके बाद आपको मेल आएगा और आप काम कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो एक कमेंट कर देना, ठीक है, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना। तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट सबसे आगे पाने के लिए।